अभी जेपी की टक्कर में वो आवे ना तो उसके ढूंढी लाग रही है। अभी वो सोचे अभी तेरी बेइज्जती होगी, अभी जो भावे ने खड़े कर दिया, भावे खड़े हो जाए तो नहीं हो जाए। अभी छोरा छोटा था और वो जानकार नहीं था, उसको हरा दिया लोगों ने, कोई बड़ी बात को नहीं। तो भाई तेरा नाम ऊंचा रह जाएगा, भजनलाल ने मोदी नहीं है। अच्छा, और से कोई आओ कुलदीप बिश्नोईया को दर्शन भी कौन गया, वो कहा मैं लड़कन खड़ा करूँ ना, जमा ही एलर्जी है लोगों में। माने भावे तो मतलब ही नहीं है भावे का, तो कोई जीतना का जेपी, अगर जेपी आ गया ना तो जेपी क्लियर है यहाँ, और जेपी को सब आदमी पर एरिया सारा सारे है। स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई अगर बात कराएं आदमपुर उपचुनाव की, तो तैयारियां जो हैं बड़े जोर शोर तक चलन लग रही हैं। 2 नवंबर के जो हैं चुनाव हैं, भी बात करांगे आज। काली रामन गांव है आदमपुर का हल्का गांव, वहाँ पहुँचे हैं। और बुजुर्ग देखो आप, मेरे चाचे ताऊ मेरे पास में बैठे हैं, इनसे बात करांगे भी। आखिर इनका मन की जो बात है वह बाहर काटांगे, बड़ांस जो है अच्छी की बुरी के है वह जरूर जानांगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। अपना नाम बता दो। जयवीर नेहरा। जयवीर नेहरा। ताऊ जी अगर जो बात करा इस गांव की, हाँ, या पूरा आदमपुर हल्के की, हाँ, तो हर बार एक ही चेहरा जो है, यानी कि एक ही परिवार का, हाँ, जो है, हाँ, शख्स बन दे आए हैं, हाँ, भजनलाल परिवार, हाँ, का लगातार दबदबा रहा, हाँ, है। इब की बार चेंज हो सका है कि मैं ओढ़े जाओगे दोबारा, खूब दाम हो जाएगा। भजनलाल परिवार ने नहीं चाहो कोई भी। अच्छा, कोई नहीं चाहो। वजह क्या रही है? वजह यह रही है वो अपने सरकार आपकी करा, हमारा कोई फायदा नहीं करा काली रावण गांव का, यानी कि दल बदलता आप। हाँ, काली रावण का फायदा नहीं करिया, हमारे गांव ने भट्ठू में गिरिया और करिया मैं चीज मारे सरू। काली रावण गांव की भजनलाल एलर्जी है। पहले की बात करा, जितनी बार भी कुलदीप बिश्नोई बनाया है और बने हैं, तो आपने मतलब वोट नहीं दिया काली रावण गांव ने? नहीं मैडम, हमारा आवे को नहीं, कम दिए हैं जी, कम दिए हैं वोट भजनलाल सरकार ने। अरे ईब की बात करा तो ईब के क्या मन है? ईब का बिल्कुल को नहीं। अच्छा, ईब का बिल्कुल को नहीं, भजनलाल ने मोदी नहीं है। अच्छा, और से कोई आओ। अच्छा जी, पिछली बार की बात करा तो कहे थे भी कुलदीप बिश्नोई जो है पहले कांग्रेस पार्टी में, हाँ, था, तो उरा हमने एक दो जाना तो और बात करी है, वेन्यू को है जी, हम तो कुलदीप बिश्नोई का चेहरा है, चाहे किसी पार्टी में चले जाओ, हमने वोट तो उसे ही देने हैं। कुलदीप बिश्नोई का दर्शन भी कौन गया, वो कहा मैं लड़कन खड़ा करूँ ना, जमा ही एलर्जी है लोगों में, लड़के की भी, लड़के की भी एलर्जी है। हाँ, अच्छा के लगे है आपने इतने साल तक लगातार भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है आदमपुर पे, नु कहा करे है इनकी तो दादा लाई वाह होगी, विरासत, हाँ, होगी राजनीति, हाँ, तो के लगे है इब का कोई बदल पाओगा? विरासत टूटेगी, विरासत नहीं चलेगी इब का, इब का विरासत नहीं चलेगी, बिल्कुल कौन चले। अच्छा, भव्य बिश्नोई की टिकट मिली है, के लगे है आपने? मतलब एक भव्य बिश्नोई रह रहा था विधायक का तमगा, उस पर वो भी उसने मिल जाएगा जे जीत जाओ तो। भाई वो कौन से काम का, मैं जाना ही कौन, वो बहु कौन है खड़े हुए? अच्छा, हाँ, मैं सीखने कौन जाना भाई, कौन से काम का है, कदे आया कौन ही है। कुलदीप बिश्नोई की बात करा तो पिछले जो विधायक रहे हैं, पिछले कई साल अंत भी रहे हैं, तो कितना काम होया है गांव का अंदर, काली रामन का अंदर, और कितना विकास कर? एक नया पीछा नहीं दिया आपकी हिसाब किताब में मिलेगी साहब, और भी काली रामन गाँव में कोई गौशाला में कोई खड़े भी विकास का काम नहीं करा। अच्छा, हमारे गाँव में कोई पुली भी नहीं बनाई, कोई टूट रही है गाड़ी गुंजा उड़े। अच्छा, हाँ, भजनलाल कोई भी काम नहीं करे ना, नु क्या कर दे भी, भजनलाल के टाइम पे तो बहुत नौकरी लग गए थे और सारा कुछ मारे काम में नहीं लग गया भजनलाल टाइम में। के एक दो विष्णु यहाँ ला दिया वैसे वो को नहीं, और बाकी अच्छा और नहीं लग गया, मैं बिल्कुल नहीं लग गया, बिरुन माटी करी फतेहवा तहसील कर दी, आदमपुर और कर दी, मारा भट्ठू में गिर दिया काम, काली रावण गाँव है ना पहला गाँव, हाँ ये ले पहला काम है, मैंने दूध मुकाट के माखी पैके जो फेंक दिया तंगा लिए भजनलाल, हाँ ईब तंगा लिए पूरे पूरा, तो उसका छो उतारोगे? सदा ही उतारता है मार, तो मेरा हाथ में मारे काम में, हाँ मेरा हाथ में। अपना नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जी, हाँ जी। जे बात करा कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई ने की बार बीजेपी की टिकट मिल गई है, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कितना अच्छा मानो हो आप भी पार्टी बदल के कांग्रेस तो फिर बीजेपी में चले गए, ईब विधायक जो है सारे विधायक बन चुके हैं, एक भव्य बिश्नोई रह रहा था, के लगा है भव्य भी विधायक बनेगा? हमें जी उसको कुलदीप को बना के देख लिया और उनका भी बना के देख लिया और भजनलाल को भी बना के देख लिया, हमने इन तीनों ने बना के देख लिया। अभी भवे रह रहे, भवे जाओ आपके घर, और भवे का क्या है, कौन भवे को जानता है क्या भवे है,
कोई हमारे गांव के अंदर है, कोई गरीब आदमी है, कोई पानी है, कोई सड़क है, कोई बिजली है, कोई भी सुविधा अगर जे किसी की करी है घनी तो क्या, अगर जे किसी का 20 साल का अगर जे लड़का मर गया तो उसके घर भी न्यू कोनी है संचार दे दिया भाई तो आइए, तो उसी का भी माने न्यू कोनी आ रहा है, तो अभी उसको वोट मिल रही है क्या? वोट बांट नहीं उसको अभी, दे वो सपने आपके अभी भवे आपको घर खेलो। नू कवे है कुलदीप बिश्नोई ने यह बात कही है कि मैंने तो आदमपुर की जो जनता है उनके कहन पर तो कांग्रेस छोड़ दी थी और उनके कहन पर बीजेपी में आया, अब दोबारा इलेक्शन भी बेटे ने उसे उन्हें के कहन पर लड़ा। उन्होंने नहीं, नहीं जी ये तो ये बनावटी बात है, ये बनावटी बात। अभी कुलदीप इसकी जो बीजेपी है ना मान लो इसमें आ गया, अभी आपने जो यो माने क्या नाम इसका नाम बुरी है जेपी, अभी जेपी की टक्कर में वो आवे ना तो उसके डूडी लग रही है, अभी वो सोचे अभी तेरी बेइज्जती होगी, अभी तो भवे ने खड़े कर दिया, भवे खड़े हो जाए तो नहीं हो जाए, अभी थोड़ा छोटा था और वो जानकार नहीं था, उसको हरा दिया लोगों ने, कोई बड़ी बात को नहीं, तो भाई तेरा नाम ऊंचा रह जाएगा, वो ये जानता है उस वे साल अभी लोगों ने सब सीख ली, पहले ही बहाना ढूंढ रहे हैं, ये पहले ही ढंडा ढूंढ रहे हैं आपका भी, उसको भी किने लिखने नजर राय पाव है। अच्छा मतलब भी भवे आरजे है तो बात नहीं आऊगी। हाँ हाँ उसका भे अब मानो भवे तो मतवल ही नहीं है, भवे का तो कोई जीतने का टक्कर के लगे है आपने कौन देना टक्कर, अगर ये उड़े बीज माने ये आ गया ना जेपी, अगर जेपी आ गया ना तो जेपी क्लियर है यहाँ, और जेपी को सब आदम पर एरिया सारा सारे है भाई, एक बार जेपी आ जाए तो हम बड़े खुश हैं जी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री करके गए, आम पार्टी वाले तो देखो जी वोट खराब करने के लिए है, ये तो 5-7 हज़ार वोट इन्हें बिना बस ये ले जाएगा, बस और कुछ नहीं है इनके पास। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो लगातार हल्का कया करें है भी दबदबा है पिछले कई साल जी, क्या के चीज का दबदबा है वो ना, हमने कोई के कोई दाने दिए खान खातर, एक हमारा कोई मकान बनाया है, एक हमारा कोई पानी का बूस्टर करिया है, हमारा कोई चीज करिया है, हमारा कुछ काम नहीं है। लोगों ने तो अपने बच्चे लगवा लिए, लिख के दिया कर दा भजन लाल और नौकरी लग जाए, वो भजन लाल पे लीजिए, हमारे कार्यक्रम के अंदर कोई आदमी नहीं किसी के पर्ची को पर्चा दे। एक बात और भी है, भजन लाल की टेम मत इनके बाढ़ना के खड़ी रहने, टिकट लेनी है ये भी है, लोग घर क्यों जाए यह भी है, एक दूसरा दरवाजा जाए नींद के बाढ़ लागे खड़ी रहती टिकट खातर लोगों ने लोगों ने बंडे करते, ये बाप अंडा ये जरूर थी।